हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक्रेलिक पेंटिंग के लिए कौन से शेड यूज़ करता हूँ मैं, या पेपर कौन सा यूज़ करता हूँ, मटेरियल कौन सा यूज़ करता हूँ, इसके बारे में मैंने बहुत सारे पहले ही वीडियो बनाए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी जर्नी कैसे रही, मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया एक्रेलिक पेंटिंग और कैसे इतने साल से मैं इस मीडियम में वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मैंने फाइन आर्ट करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में तो बेसिक स्टडी रहता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ड्राइंग वगैरह, तभी वाटर कलर पोस्टर कलर हैंडल करने को मिलता है, पेंसिल शेडिंग, फिर उसके बाद ऑयल कलर, जिससे पोर्ट्रेट पेंटिंग स्टिल लाइफ रहता है ऑयल कलर से, और फिर जो कंपोजिशन सब्जेक्ट रहता है उसके लिए हमें कैनवास पे एक्रेलिक कलर से करना था, तभी एक्रेलिक कलर यूज़ करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। बट एक्रेलिक कलर में कभी पोर्ट्रेट मैंने किया नहीं था। मैंने टोटल 5 साल का जीडी आर्ट किया, उसके बाद 1 साल मैंने डीपी आर्ट भी किया, मतलब टोटल 6 साल का मैंने कोर्स किया है ड्राइंग में। और मेरी स्पेशलिटी थी, मैं लैंडस्केप करता था, मुझे बहुत पसंद था, और ऑयल कलर में मैं पोर्ट्रेट भी किया करता था, बट एक्रेलिक में मैंने कभी पोर्ट्रेट नहीं किया। तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब मुझे कमीशन वर्क आने लगे तो मैं ऑयल कलर में ही पोर्ट्रेट पेंटिंग करता था, बट ऑयल कलर का ये प्रॉब्लम होता था कि बारिश के टाइम उस पर फंगस आ जाता था, फिर बहुत सारे क्लाइंट की कंप्लेंट आती थी, और उतने पैसे नहीं मिलते थे कि मैं एंटी फंगस कैनवास यूज़ करूँ उस पेंटिंग के लिए, तो मैं अर्फिना का कैमल का जो अर्फिना कैनवास है वो यूज़ करता था। फंगस आने के बाद फिर मुझे उसको वापस टचअप करना पड़ता था, तो मैं थोड़ा सा बोर हो गया था वो सब चीज़ों से, तो मैंने सोचा कि मैं एक्रेलिक कलर से ट्राई करूँ। मैंने एक्रेलिक कलर से स्टार्ट किया, ऑयल कलर के इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता था, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करते करते मुझे अच्छा रिजल्ट मिलने लगा, कुछ टेक्निक खुद सीखने को मिले जैसे जैसे मैं वर्क करता गया। और फिर कोविड के टाइम लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया और मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियोस, फोटोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। एक्रेलिक पेंटिंग में ही मैं पोर्ट्रेट करता हूँ एक्रेलिक कलर से ही, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिले, और मैं मेरे चैनल के ज़रिए जो बिगनर्स है उनको भी वो सब टिप्स, ट्रिक, नॉलेज सब देने की कोशिश करता हूँ। और उससे रिलेटेड अगर आप मुझे कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, बट यही आपको मैं बताऊँगा कि ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। मैंने कॉलेज में कोर्स किया है ड्राइंग का, बट एक्रेलिक कलर में पोर्ट्रेट कैसे करना है ये हमें कभी भी कॉलेज में नहीं सिखाया, मैं खुद सीख गया। ये जो मीडियम है इसका हैंडलिंग अलग है, बट मैं ये कहूँगा कि वाटर कलर और ऑयल कलर से आप कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी आसान मीडियम मुझे लगता है, क्योंकि एक तो कलर जल्दी ड्राई होता है, तो आप हाथ रख के, मतलब पेंटिंग के ऊपर हाथ रख के आप डिटेल वर्क कर सकते हो। बट यही एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे बिगनर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि कलर जल्दी ड्राई होते हैं तो वो ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो जो स्पीड है वो आपको काम करते करते आ जाएगा, और बाद में आपके जो कलर वेस्ट हो रहे हैं वो भी वेस्ट होना बंद हो जाएंगे, आपके कलर, आप जो भी शेड बना रहे हो वो प्रॉपर यूज़ हो जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत सारा वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है कि एक दो पेंटिंग कर दिए और आप खुद को किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी इस लेवल पे वर्क करते हैं उनकी बहुत सालों की मेहनत रहती है, और ये नहीं है कि आपको 5-6 साल लगेंगे, ऐसा नहीं है। कोई कोई ये चीज़ 1 साल में भी सीख जाते हैं, क्योंकि उनकी उतनी प्रैक्टिस रहती है डेली की, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी सीखोगे। और कुछ जगह पे आप अटक जाते हो, मतलब आपको आगे कैसे जाना है वो पता नहीं चलता, तो आप मेरे वीडियोस देखो, मैं उसमें बताता रहता हूँ। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या
यूट्यूब पे मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैं सबको रिप्लाई देता हूँ दोस्तों, कभी कभी लेट हो जाए लेकिन मैं रिप्लाई 100% सबको देता हूँ। तो आप मुझे जो भी डाउट है आपके वो मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। तो इस तरह से एक्रेलिक पेंटिंग की मेरी शुरुआत हुई और मैं इसी मीडियम में काम करता हूँ। आगे जाके मैं बहुत सारी मीडियम में वर्क करूँगा, कॉलेज के टाइम करता था लेकिन अभी वो मटेरियल वापस लाना पड़ेगा, जैसे सॉफ्ट पेस्टल है, ऑयल कलर है, ऑयल पेस्टल कलर्स है, कलर पेंसिल्स है या चारकोल पेंसिल्स है। तो मैं करूँगा ये सब चीज़ें बाद में, और बहुत सारी मीडियम में मैं वर्क करने वाला हूँ लेकिन फ़िलहाल तो मैं और कुछ पेंटिंग्स एक्रेलिक में ही करने की कोशिश करूँगा। आप इस तरह से मुझे प्यार देते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करो, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बस यही कहना चाहूँगा मैं आज के वीडियो में। पेंटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।